ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वॉकिंग स्ट्रीट पटाया का है जो कि थाईलैंड में है। और यहाँ पे मैंने एक शॉप देखी थी जहाँ पे मगरमच्छ मिल रहा है, और इसी के बगल में लॉबस्टर, क्रैब्स और सी फिश, किंग लॉबस्टर, इनकी जो साइज़ वगैरह है आप मान के चलिए कि 1 फीट से भी ज़्यादा, मतलब कि आई थिंक 2 फीट 2.5 फीट ऐसे, और मतलब कि बहुत बड़े बड़े लॉबस्टर जो कि किलोग्राम में मिल रहे थे। ये जो आप लोग प्राइस वगैरह देख रहे हैं 5200, ये थाई बात में प्राइस लिखा हुआ है, ये इंडिया का 70% प्लस होता है, मीन्स जैसे 5000 का है कोई चीज़, तो आप मान के चलो कि आपका इंडियन करेंसी 15000 लगेगी। और ये 1 किलो का मतलब कि 15000 का लॉबस्टर है। मुझे इतनी एक्सपेंसिव फूड में, और ये लोग ऐसे एक्वेरियम्स में साल्ट वाटर के एक्वेरियम में स्टोर करके रखते हैं, मतलब किसी को चाहिए हो तो लोग यहाँ से इसे जिंदा दे देते हैं पकड़ के, और सी फिशेस वगैरह को भी ये लोग लाइव रखते हैं। मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले होते हैं ना कि मरी मरी मछलियाँ रखे रहते हैं अपने पास, फिर सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग एक्वेरियम के अंदर फिशेस, लॉबस्टर, क्रैब जिंदा, और क्रैब्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं करीब 1-1 फीट के। और ये सारे का सारा प्रोडक्ट जो होता है ये समुद्र से आता है, मरीन ओशन से, और साल्ट वाटर है। ये आप लोग क्रैब भी देखते हैं, इस क्रैब का वो हाथ, वो फर, जो वो बोलते हैं उसके जो पंजे होते हैं 2, उसको लोग रस्सी से बांध देते हैं, बिकॉज़ ये लोग ना पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी को भी पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं जल्दी से, और बड़े उसको खाने की कोशिश करते हैं, पर इनका डंग टाइप होता है, जहरीले नहीं होते खैर, पर ये कि पकड़ के काट लेते हैं। ये सभी के सभी आप लोग देख रहे हैं जिंदा है, और ये सब के सब ये भी साल्ट वाटर के हैं, ओशन के समुद्र से लाए हैं। और एक्वेरियम में रखने का फ़ायदा 2 है, एक तो ख़राब नहीं होगा इसमें, एक्वेरियम में जिंदा रहेंगे, सड़ेगा गले के नहीं बिकेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। श्रिंप भी देख सकते हैं 2900 baht किलोग्राम, मतलब तो कि करीब आप मान के चलो 7000 rupees किलो इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार इतना महंगा कोई श्रिंप और फिशेज वगैरह देखा हूँ, वो भी जो कि एक्वेरियम की नहीं है, मतलब ये पालने वाली नहीं है। पालने वाली में तो खैर फ्रेश वाटर में फ्लावर हॉर्ड की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, रोहाना वगैरह में, स्टिंगरे वगैरह में फिशेज होती हैं काफ़ी सारी, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जो कि आप लोग देख सकते 1500 किलोग्राम फिश है, ये भी ओशन फिश है। और इसमें देख सकते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम वगैरह सब में लगा हुआ है बाकायदे, क्रैब है, साल्ट वाटर का क्रैब था, काफ़ी कलरफुल भी था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, मतलब कि खाने शायद कम ही आते होंगे, देखने ज़्यादा आते होंगे। ये लॉबस्टर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ऐसा, मतलब जो अगर कोई पहली बार देखे तो देखते ही रह जाएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। आप लोग देख सकते हैं खुद भी लॉबस्टर वगैरह इतने फ्रेश दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के उनके जो फिन्स वगैरह हैं, उनके सेंसर वगैरह निकले होते हैं, तो इतने मतलब कि थोड़ा थोड़ा डरावने भी लगते हैं, मुझे तो थोड़ा डरा डर भी लगता है कि निकल आए कोई बाहर होता है तो भाग जाता। आप लोग यहाँ पे डेट ये भी देख सकते हो, रखे हुए हैं कलरफुल तरीके से, इन्हें भी रस्सी उस्सी से बांध के बर्फ़ में रखे हैं, 3500 baht kg है। तो आप लोग भी अगर कभी आओ बैंकॉक या थाईलैंड वगैरह, तो ऐसी जगहों में ज़रूर घूमिएगा और कुछ डिफरेंट चीज़ें देखिए। इसमें मैंने वॉइस ओवर करके डाली हुई है एडिट करके, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइस हो रही थी और बहुत सारे म्यूज़िक वगैरह चल रहे थे, तो उनमें वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें कॉपीराइट कॉन्टेंट्स कई सारे लोगों ने क्लेम ठोक दिए थे, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करके अगेन से वीडियो डालना पड़ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी चीज़ों के लिंक हैं, तो उन्हें ओपन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।